भागीरथी परिवार का एक और सफलतम आयोजन नवरात्र पर्व में मां की आराधना, सभी स्थानों पर भक्तिभाव पूजन, नृत्य, भजन, हर्षोल्लास, ऊर्जा उमंग का अनुपम माहौल है। इसी बीच हर माह की तरह इस माह भी भागीरथी भजनोत्सव का 19वां उत्सव संपन्न हुआ। इस माह यह सौभाग्य डॉक्टर श्रीमती अमिता राजीव सक्सेना जी को प्राप्त हुआ। सिविल लाइन्स स्थित उनके निज निवास पर 21 तारीख को पूरे विधि विधान, मंत्रोच्चार, भजन, नृत्य सहित भव्य उत्सव आयोजन संपन्न हुआ। हमेशा की तरह इस बार भी भजनों की अविरल धारा बहती रही। उपस्थित परिजनों ने अपने भजनों की हाजिरी दी और शानदार नृत्य के बीच समय का पता ही नहीं चला। आकर्षक साज सज्जा, सुंदर दरबार, मनमोहक श्रृंगार, स्वादिष्ट प्रसादी के साथ साथ माँ गायत्री जी की पुस्तक का वितरण भी किया गया। शानदार व्यवस्था व मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रही। उपस्थित माता तुल्य एवं बड़ों का आशीर्वाद व मार्गदर्शन सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। आरती व सामूहिक हनुमान चालीसा के साथ उत्सव का समापन हुआ। भजनों की भागीरथी में सबके साथ मिलकर डुबकी लगाने के लिए अगले माह फिर से एक और भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मैं डॉक्टर अमिता सक्सेना आज भागीरथी परिवार को होस्ट करने के लिए, यानी जो सत्संग होता है भागीरथी परिवार का, उसका मुझे मौका मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि आज मेरे घर में इतनी रौनक लगी। माँ की बहुत भजन हुए माँ के लिए और ईश्वर आराधना हुई, तो बहुत ही घर में रौनक लग रही है। मेरे परिवार के सब लोग, सब हमारे मित्रगण बहुत खुश हैं और ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि ऊपर से ब्लेसिंग्स बरस रही हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है। और ये जो शुरू किया है नीता शर्मा जी ने भागीरथी परिवार, हर माह कहीं कहीं ना कहीं सत्संग होता है और सबको मौका मिलता है ईश्वरीय आराधना का, इसके लिए मैं उनको दिल से साधुवाद करती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम पूनम श्रीवास्तव है और मैं डॉक्टर अमिता सक्सेना की ननद हूँ। मैं यहाँ आज आई हूँ। भागीरथी परिवार के लोगों को मैंने आज गाते और झूमते हुए सुना। उनके गाए हुए भजन से पूरी जो संगत थी सभी झूमने लगे और उन लोगों ने इतने जिंदा दिली से गाया और भगवान की आराधना की, देवी की आराधना की, कि हम लोग सब अभिभूत होकर रह गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नवरात्र के इस पावन पर्व पर डॉक्टर राजीव सक्सेना, अमिता सक्सेना जी के निवास स्थान पर भागीरथी परिवार का ये 20वां महोत्सव है और इसके लिए हम इसकी संस्थापक अपनी छोटी बहन श्रीमती नीता शर्मा जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भागीरथी परिवार में ये भजन का कार्यक्रम जो शुरू किया है। इससे एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और फिर अभी तो नवरात्र चल रहे हैं, शहरवासियों को दशहरे की हम भागीरथी परिवार की तरफ से अग्रिम बधाई देते हैं कि खूब सुख शांति के साथ में दशहरा भी मने और आने वाला जो हमारा चुनाव का पर्व है वो भी बहुत आराम से सुख शांति के साथ में यहाँ के लोग जाएं, मतदान करें और मनाएं। धन्यवाद।